सब गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, आज का थोड़ा ब्लॉग है कुछ अलग करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो क्या अलग कर सकते हैं हम, चलिए कुछ देखते हैं। अगर तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बता दो, पहले तो देखिए मैं अपने बाल कटा कर आ चुका हूँ, कटिंग करवा ली है। तो कमेंट में बताना मत भूलना गाइस कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। और हाँ गाइस, साथ साथ बालों देख कर कुछ यहाँ भी नज़र पड़ी होगी आपकी कि हाँ गाइस आज ही एयरबड्स नवे एयरबड्स मंगाया है मैंने बोट के, एडिक्ट बाय बोट। तो दिखाता हूँ अब इसको क्या सिस्टम था, क्या मतलब सस्ते से गाइस ज़्यादा नहीं है, 1100-1100 रुपये के आसपास की रेंज के हैं, मतलब 1100 के नहीं 1000 रुपये के हैं, लगा लो 999 के मंगाए हैं। और तो बढ़िया आवाज़ है गाइस, बेस एकदम बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ इसका जो स्टीरियो है गाइस वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर जब मैं पबजी खेलता हूँ ना गाइस, पबजी के अंदर जो है साउंड भी गाइस जैसे ब्लूटूथ ईयरफोन्स में रुक रुक के आवाज़ आती थी, लेकिन गाइस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आवाज़ गाइस बहुत अच्छी है। आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, कोई प्रमोशन वगैरह कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ही आपको मैं बता दिया, ठीक है। आप करना चाहो तो गाइस कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। और 1000 रुपये में और क्या लोगे गाइस आप कंपनी का। आपको एक बारी बॉक्स दिखा दो, इसका बॉक्स कैसा है। तो वैसे आज आपको एक और बात बता दूँ कि आज आपको बॉक्स ही बॉक्स देखने को मिलने वाले हैं हर चीज़ के। और ये देखिए, ये है गाइस इसका बॉक्स, और देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है एडिक्ट बाय बूट। फोकस नहीं कर पा रहा शायद, तो छोटी इसके बाद में आपको दिखा दूंगा मैं। और एक ये एक तो ये बॉक्स हो गया हमारे पास, और दूसरे बॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिए गाइस, मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि नवा फ़ोन तो मैं लेकर आ चुका हूँ और बॉक्स ओपन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सॉरी ओपन तो कर दिया था, लेकिन इसी फ़ोन से मैं शूट भी कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं आपको फ़ोन तो नहीं दिखा सकता लेकिन बॉक्स तो दिखा सकता हूँ। तो बॉक्स ही देख लीजिए गाइस आप, वीवो V20 RC लेकर आया था गाइज, में देख सकते हैं आप। और इसके जो गाइज मुझे कॉस्ट पड़ी है वो है गाइज 20,000। तो चलाने में गाइज बढ़िया है, और वेरिएंट इसमें 8 GB और 128 GB है। और आप इसको लेना चाहते हो गाइज ले सकते हैं, मतलब बढ़िया फ़ोन है गाइज चलाने में, मैं इसको चला लूँगा इस कम से कम, मुझे इसको चलाते हुए एक डेढ़ हफ्ता हो चुका है, यानी 10-12 दिन हो चुके हैं गाइज, लेकिन मुझे कोई इशू अब तक नहीं दिखाया। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो गाइज। वैसे फ़ोन लॉन्च हुआ था गाइज 1 फरवरी के आसपास, लेकिन मैंने अभी इसे ख़रीदा है, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को वैसे एप्पल का ख़रीदना था लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, एप्पल का मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो जोन सा मिल रहा है भाई तो ले लो, अभी तो घर वाले जो दिला रहे हैं वही ले लो। लेकिन गाइज पता, जब घर वाले से कुछ लेता हूँ तो थोड़ी अलग सी फीलिंग आती है, क्यों उनके घर वालों को पैसे लगवाने, जब हम खुद कमाएंगे तो हम खुद अपने पैसों का लेंगे। तो चलो जो घर वालों ने दिलवा दिया ठीक है। तो एक बार अगर आप अंदर से देखने जाते तो गाइस अंदर से आपको मैं दिखा देता हूँ ये फ़ोन कैसा है, हम कैमरा साइड पर रख देते हैं एक बार। तो ये देखिए, अंदर से गाइस ये पहले ये इसको साइड पर रखेंगे, और ये इसमें हमारा कवर आया था, वैसे ही बताया तुम आपको, इसमें हमारा कवर आया था, इसमें शायद कुछ पड़ा भी हुआ, अभी मैनुअल्स वगैरह पड़े हुए हैं इसमें, पढ़ता तो है नहीं इनको कोई, तो कंपनी फालतू में दे देती है पता नहीं जैसे मैं कुछ करना है। तो एक तो ये आया था गाइस, और उसके साथ में इसमें क्या कहते हैं, इसमें फ़ोन आया था मेरा जो इससे अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आप फ़ोन कहेंगे तो मैं आपको घर जाके दिखा पाऊँगा दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करके, अभी तो पॉसिबल नहीं है एक फ़ोन से रिकॉर्ड करके कैसे मैं दिखाऊँगा आपको। ये गाइस फ़ोन का बिल, और बाकी चार्जर ये लगा हुआ है यहाँ पर, ईयरफोन मेरी पड़ी है घर पर। तो यही था गाइस इस फ़ोन में, मतलब फ़ोन में 8 GB और 128 GB का वेरिएंट है, मतलब बढ़िया फ़ोन है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम लगी यार गाइस फ़ोन में, इसमें बढ़िया फ़ोन है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो कर सकते हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, ये मैंने गाइस आज ही ऑर्डर करा था, सॉरी परसों ऑर्डर करा था मैंने अमेज़ोन से, आज डिलीवर हुआ है मेरे घर पर। अगर आप इसको कहते हैं मैं इसको बॉक्स ओपन करके आपको एक बार दिखाई देता हूँ, फ़ोन को हम साइड में रख देते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, और ये अंदर इसका केस पड़ा हुआ है, ये देखिए ये इसका केस है। और गाइस का इसके अंदर एक बढ़िया चीज़ पता क्या है गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, केस के अंदर गाइस लाइट भी चलती है यहाँ पे, यहाँ पे बीच में LED डिस्प्ले लगी, दिखाता हूँ मैं आपको भी अगर इसके अंदर सेट करके। तो जैसे ही मैं इसको इसके अंदर सेट करूँगा तो इसके अंदर लाइट जलती है, तो गाइज ये देखिए इसके अंदर लाइट में आई थिंक बैटरी दिखा रहा है गाइज, ये 68%, मतलब गाइज ख़तरनाक सी लुक देता है गाइज, मतलब जैसे ये लाइट जलती है ना तो बढ़िया सी
ब्लू आती है और ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी, मेरे को लगता है इसकी बैटरी है शायद ये, हाँ जो केस है इसकी बैटरी है शायद ये 68% जो दिखा रहा है। तो ये देखिए, वैसे गाइस इसका प्राइस था कुछ 1500 के आसपास, लेकिन अमेज़न पे जो है गाइस डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन जो मैंने जब ये मंगाया तो इस पर वैसे इसका प्राइस 1500 था, जब मैंने मंगाया डिस्काउंट में तो मुझे पड़ा है ये 999 का। तो मैंने क्या करा गाइस, उसको भी मैंने कैश करो से ख़रीदा, तो गाइस कैश करो से खरीद के मुझे 20-25 रुपये का कैशबैक भी आ गया बीच में, फ्री का पैसा गाइस क्यों छोड़े। और इसके साथ एक केबल आई है गाइस, केबल मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट रुको, ये देखिए ये साथ इसके बिल्कुल साइड में देखिए डिटैचेबल सी है, मतलब बॉक्स के अंदर ही फिट कर रखा था ये डब्बा सा, ये साइड में से निकाल के इसके अंदर केबल है डाटा केबल। तो क्या दिखाना डाटा केबल का आपको, वैसे पता है डाटा केबल सबको। और कर दिया हमने बॉक्स बंद, तो ये देखिए गाइस इसके ऊपर हम एक बार ऐसा रख देते हैं तो बढ़िया सा लगेगा, थोड़े बढ़िया लुक आएगी ना। तो आगे भी गाइस अपने व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, तो अभी पहले पता क्या दिक्कत हो रही थी गाइस की व्लॉग में बना नहीं पा रहा था, क्योंकि गाइस मैं दुकान शॉप पर ज़्यादा ही बिजी हो रखा था, तो इसी वजह से गाइस मेरे व्लॉग उस टाइम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन गाइस अब जो है मेरे व्लॉग डेली के डेली आएंगे, सौरभ भाई की तरह, सौरभ जोशी की तरह। तो गाइस पिछली मीडिया अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा मेरा, सौरभ जोशी ने जो मेरे को पेंटिंग भेजी थी, आज ही मैंने यहीं रखी हुई अभी भी शॉप पर ही है मेरी, दिखाया तो आपको एक बार दोबारा से, मैंने इसको फ्रेम कराना है लेकिन मैं अभी तक इसको फ्रेम नहीं कराया गाइस, कराना था जब मेरे बाल बड़े थे ना मैंने तब भेजी थी गाइस फोटो, मतलब वो फोटो भेजी जिसमें मेरे बाल बड़े थे गाइस, ये फोटो मैंने खिंचवाई थी जो इसमें पेंटिंग बनाई है, ये मैंने जब मैं वैष्णो देवी गया था वहाँ के रेलवे स्टेशन मैंने फोटो खिंचवाई थी हेडफोन लगा के गले में, तो भाई ने बिल्कुल सेम टू सेम बना दी, देखिए मोटरोला के बीच में हेडफोन बने हुए हैं। तो गाइस ये तो शायद मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ पिछले ब्लॉग में पेंटिंग, जिन्होंने नए ब्लॉग वाला देखा तो गाइस आप जाकर देख लेना, बहुत अच्छा ब्लॉग था। और आज गाइस कुछ करने के लिए हमारे पास तो ध्यान नहीं, देखिए अभी ऐसे अभी पता है गाइस आधे घंटे पहले ना बारिश हो रही थी बाहर, हाँ रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, देखिए बाहर पानी पूनी भर गया सारा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। गाइस अपना कूलर भी आ चुका है अभी, और कूलर देखिए कूलर भी लेगा, ले आओ अभी अंदर ले आओ। थोड़ी देर पहले ना इतनी तेज बारिश हो रही थी और गाइस एकदम तेज धूप निकल आई है, देख सकते हैं हमारे पर्दे आगे करने पड़ गए, धूप सीधा सूरज इस साइड मतलब आती है फिर धूप, तो एक बार पहले तो हम पर्दे थोड़े साइड में कर देते हैं, थोड़ी अच्छी रोशनी भी आ सकेगी। तो गाइस देख सकते हैं आप धूप अभी 15-20 मिनट पहले गाइस बारिश हुई थी, सड़क भी अभी गिली है, दिखा तो एक बार। तो गाइस देख सकते हैं आप सड़क अब तक गिली है और पानी सारा भर चुका है, लेकिन गाइस अभी क्या हुआ 2 मिनट पहले ही मतलब 15-20 मिनट पहले गाइस बारिश हो रही है, आप देखिए गाइस धूप देखिए कितनी तेज निकल रही है, मौसम एकदम गाइस बढ़िया हो गया, वैसे सारी बारिश बुरिश में गाइस मच्छर ज़्यादा होते हैं। और ये देखिए ये पड़े अपने दोनों भाई, और दुकान का व्यू भी आपको एक बार देख ले दिखा देता हूँ गाइस, अभी सामान ऐसे बिखरा पड़ा है दुकान में। और अपना सेट और थोड़ी बहुत पहले से गर्मी अब ठीक लग रही, मतलब अब ज़्यादा लग रही गर्मी, और गर्मी पता भी लग रहा है इसमें ज़्यादा गर्मी है, वैसे थोड़ा पानी भर देंगे, पानी नहीं है इसमें खाली है, कूलर पानी भर देंगे तो गाइस बढ़िया मज़ा आएगा फिर कूलर की हवा में। तो आज अब लोग गाइस हमारा यहीं तक था, बाकी जब घर जाएंगे तो आपको घर का आगे सीन दिखाएंगे गाइस घर में क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस आज कल लोग हमारे यहीं तक था, वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।